हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एन एक्टिविटी। आवर एम इज टू ऑब्जर्व द चेंज ऑफ स्टेट एंड प्लॉट ए कूलिंग कर्व फॉर मोल्टन वैक्स। इट मीन्स हमें क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग हमें क्या निकालना है फॉर द मोल्टन वैक्स। तो हमने क्या है, यहाँ पे एक बीकर ले लिया है। इन दिस बीकर वी आर टेक वैक्स एंड मेल्ट द वैक्स। तो आवर प्रिंसिपल इज व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस हैज ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट व्हेन इट इज हीटेड इट गेन्स एनर्जी टिल इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड ऑन फर्दर हीटिंग द सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट देयर इज नो इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर इवन द हीट इज एब्जॉर्ब फर्दर हीटिंग इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। सिमिलरली व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड इट लॉसेस हीट एंड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर कन्वर्ट्स इंटू सॉलिड स्टेट्स ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन अगेन टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने क्या है, वैक्स ले लिया है, वैक्स को हमने मेल्ट कर लिया है और ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपका वायर गेज है, ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने वैक्स को मेल्ट कर लिया है। ये आपका हम क्या है, यहाँ पर बर्नर यानी कैंडल को हम रिमूव कर देते हैं और हर 2 मिनट्स में इसका टेम्परेचर नोट करेंगे कितना टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या है, स्टॉप वॉच ले लेते हैं, ये आपकी स्टॉप वॉच है। तो जब आपका टाइम 0 मिनट है तो 0 मिनट पर हमारा जो टेम्परेचर है वो है हमारा 88 डिग्री सेल्सियस। अब हम हर 2 मिनट्स में टेम्परेचर नोट करेंगे कि टेम्परेचर कितना आएगा। उसके बाद में हम कहें टेम्परेचर और टाइम के बीच में हम कहें कर्व ड्रॉ करेंगे कि कैसा कर्व आता है, उस कर्व की हम कहें स्टडी करेंगे। तो कर्व देखेंगे कि कर्व आपका किस टाइप का आता है। तो जो कर्व आता है वो आपका हमारा क्या स्ट्रेट लाइन ही होता है, ये आपका कर्व टाइप में ही आएगा, यानी जो ग्राफ मिलेगा वो आपका क्या होगा, एक कर्व होगा, इस नॉट ए स्ट्रेट लाइन। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे 4 in 2 मिनट्स, in 4 मिनट्स, in 6 मिनट, अप टू हम 20 मिनट्स तक देखेंगे कि हमारा जब हमारे 20 मिनट्स हो जाते हैं तो टेम्परेचर कितना आपका डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे हम कहें कि ये आपका वैक्स जैसे जैसे कूल होता जाएगा टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा और हीट का आपका क्या होगा लॉस होगा। तो आपका 2 मिनट हो चुकी है, तो 2 मिनट में जो टेम्परेचर ये आ रहा है आपका 85.5। फिर हम 4 मिनट के लिए मेजर करेंगे,
इसी टाइप में 6 मिनट के नोट करते जाएंगे आप। उसके बाद में हम क्या है, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे टेम्परेचर और टाइम के बीच में। तो इसके लिए हम एक वो भी समझ लेते हैं, व्हाट इज द सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, व्हेन ए सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में आपका क्या है कि जब कोई सॉलिड को हीट करते हैं हम, तो वो सीधे के सीधा आपका लिक्विड में कन्वर्ट ना हो करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में या गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपका प्रोसेस बोलाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का एग्जांपल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कपूर। कपूर को जब हम क्या हीट करते हैं, तो वो आपका सॉलिड से डायरेक्ट क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आपका मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपका कोई टेम्परेचर मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो पॉइंट टेम्परेचर आपका क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। यानी एट विच ए सॉलिड इज चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। नाउ 4 मिनट कंप्लीटेड, वी आर टेक द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज 82 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर नोटेड द टाइम एंड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टाइम एट द 2 डिग्री। इन द 2 मिनट्स द टेम्परेचर इज 85.5 एंड 4 मिनट टेम्परेचर इज डिक्रीज एंड इज 82 डिग्री सेल्सियस। इन 6 मिनट टेम्परेचर इज गोज टू 79 डिग्री सेल्सियस। इन 8 मिनट इज 75 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली हमने क्या है, टेम्परेचर डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग हमने क्या है, टेम्परेचर मेजर कर लिया है, नोट कर लिया है। अब देखिए, जो आपका वैक्स है वो आपका धीरे धीरे क्या है, सॉलिड स्टेट में आपका कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम टेम्परेचर और टाइम के बिटवीन में हम क्या है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वी आर ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड टाइम। तो जो ग्राफ है वो हमारा क्या है, कर्व के टाइप में हमें क्या है मिलेगा। तो अभी हम क्या है, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इनके बीच में। वाई एक्सिस के अलोंग हम लेंगे टेम्परेचर एंड एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेंगे टाइम।